बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 सितंबर 2024 को पीपीएससी ने एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर लिया, उसमें जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। व्हेन लॉर्ड मायो वाज मर्डर्ड, कब मारा गया था लॉर्ड मायो का? 8 फरवरी 1872 में इसको मारा गया था। विद्या स्कीम किसने स्टार्ट की? महात्मा गांधी ने यह स्टार्ट की थी। हिंदू महासभा कब स्टार्ट हुआ, किसने किया, मतलब हिंदू महासभा? पंडित मदन मोहन ने स्टार्ट किया था। वुमेन वॉइस इज श्रिल, मतलब वो श्रिल होती है किस वजह से? ऑप्शन था हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। हजरत उमर की जो खिलाफत थी वो कब स्टार्ट हुई? वो 13 हिजरी 22 रमजान से स्टार्ट हुई। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 16 अक्टूबर 1905 में हुई थी, वो वापस लॉर्ड कर्जन ने की थी, लॉर्ड हंटिंग ने जो थी इसको वापस लिया था 1911 में। हजरत उमर अपॉइंटेड कमांडर आफ्टर हजरत खालिद बिन वलीद के बाद उनको हटा के किसको अपॉइंट किया गया था? अबू अबैदा को। उर्दू का पहला सफरनामा अजाबाते फरंगिया है। इसके बाद वो पूछते हैं कि इकबाल की किताब उर्दू और फारसी में कौन सी लिखी गई? बांगे दरा। ये दोनों उर्दू और फारसी एक में ट्रांसलेशन बाद में हुई थी। स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने लिखी थी? सैयद अमीर अली ने, ये बुक है। कोविड 19 को ओमनिकोर नाम डिक्लेयर कब किया गया था? 26 नवंबर 2021 को। ग्वादर को किससे खरीदा गया? ओमान से लिया गया था। कश्मीर को सेल किया गया था, ब्रिटिश ने किया था गुलाब सिंह को 75 लाख में, यानी कि 7.5 मिलियन में। बर्ड फ्लू के रिलेटेड सवाल था, वो था इसका आंसर था NH5N1। एडी जो था अब्दुल सत्तार एडी, वो कब उनकी डेथ हुई थी? जुलाई 8, 2016 को उनकी डेथ हुई थी। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप 1971 में पहला पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था और इनका मुकाबला था स्पेन के साथ, स्पेन को हरा के इन्होंने जीता था। हार्ड थिंग इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे हार्डेस्ट जो थिंग चीज़ है ना, वो कौन सी है? एनेमल है, आपके दांतों में होता है, ये दांतों का हिस्सा है। पाकिस्तान ने जो सेकंड हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, फर्स्ट 1971 में जो कि स्पेन को हरा के जीता था, दूसरा 1971 में जीता गया था। ओलंपिक का मोटो क्या है? केटिस एल्टिस और फोर्टियस। इसके बाद वो पूछता है कि कॉपर गोल्ड एंड सिल्वर ये क्या है? ये कॉइनेज मेटल्स है। कंट्रोल सी कंप्यूटर के रिलेटेड पूछा गया था, ये सिलेक्ट करते हैं कोई भी आपका टेक्स्ट होता है उसको कॉपी करने के लिए, कॉपी कर लेता है। हेडफोन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? हेडफोन आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि आपको सुनाई देता है इसमें, जबकि जो माइक्रोफोन जो होते हैं वो आउटपुट और इनपुट दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या थी? .ppt। अप्रिहेंशन सिनोनिम इसका क्या था? अरेस्ट। चाइना जॉइन WTO को चाइना ने कब ज्वाइन किया? 11 दिसंबर 2001 को। विच कंट्री लास्टली एडेड इन सार्क में सबसे बाद कौन सी कंट्री शामिल हुई थी? वो थी अफगानिस्तान, जो कि अप्रैल 2007 में शामिल हुई थी। कीबोर्ड किस लिए इस्तेमाल होता है? वो न्यूमेरिक के लिए भी होता है, टेक्स्ट के लिए भी होता है, करेक्टर्स के लिए भी, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन था। कॉल द शूट, कॉल द शूट का मतलब होता है मेक द डिसीजन, डिसीजन करने वाले बंदे को कॉल द शूट कहते हैं। स्क्रैच ऑन समवन्स बैक, किसी की बैक पे खारिज करने, इसका मतलब है ये एडियम से, डू समवन अ फेवर इन होप्स दैट अ फेवर विल बी रिटर्न, आप किसी की मदद इसलिए करो कि वो रिटर्न में आपकी मदद भी करें। फर्स्ट एटम बम जो जापान पर फेंका गया था हिरोशिमा पे, वो उसका नाम लिटिल बॉय था, पेपर में ऑप्शन था B-29। कम्युनिस्ट पार्टी पाकिस्तान में बैन कब की गई थी? ये 1954 में बैन कर दी गई थी। इसके बाद आगे वो पूछते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो पाकिस्तान की थी उसको कब खत्म किया गया, उसको शट डाउन कब किया गया, बैन किया गया? वो 24 अक्टूबर 1954 को। द सोल स्पोक्समैन जिना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान किसने लिखी थी? आयशा जिलाल ने। समर ओलंपिक्स जो एशिया में हुए थे वो 4 हुए और 4 ही विंटर हुए, यानी कि टोटल अभी तक जो एशिया में हुए हैं वो 8 हो चुके हैं। हाउ मेनी पार्टीज कॉन्सिलेशन, मतलब कितनी पार्टी को लाइट कर दी है फेडरल गवर्नमेंट में 1995 से 1958 तक? तो 5। कौन सी? सबसे पहले मोहम्मद अली बोगरा की 1995 में, उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली की 95 से 56 तक थी, उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी की, उसके बाद इब्राहिम इस्माइल चंडीगढ़ की, उसके बाद फिरोज खान नून की, टोटल 5। इसमें 5 का ऑप्शन था। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेटिकन सिटी है,
उसके बाद इमाम गजाली कहाँ पे पैदा हुए? ईरान में पैदा हुए। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ये भी इंग्लिश का सवाल था, पर्सनल जेलसी के लिए इस्तेमाल होता है। रमला वाज द नेम ऑफ अल्लाह के नबी की कौन सी बीवी का नाम रमला था? उम्मे हबीबा या अबू सफियान की बेटी थी। यूएन ने यानी कि सेक्रेटरी काउंसिल के जो परमानेंट 5 और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 जो परमानेंट मेंबर हैं उनमें यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया है। फ्रॉम क्रेश इन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, हुदैबिया की ट्रीटी के अंदर यानी कि सुलह हुदैबिया जो हुए थे उसके अंदर क्रेश की तरफ से कौन था? सुहेल इब्ने अमर था। इन सूरह अनफाल 2 ग्रुप्स, दो ग्रुप्स का जिक्र हुआ था, मुस्लिम और क्रेश था। मुनीन नियाजी कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो होशियारपुर से। सिल्क को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? चाइना ने। बुरेट लेक जो है गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है। वारिशा एक पाकिस्तानी ड्रामा था, उसके अंदर जो लीड रोल था वो महबूब आलम का था। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड नील, और लार्जेस्ट जो है वो अमेजोन है। लाइट एंड ग्लिंट, ग्लिंट चमक होती है लाइट की, ये भी इंग्लिश के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी थी। इसका कलर और शेड ऑप्शन था। आउट ऑफ साइट, ये भी इंग्लिश का एक सवाल था, इसका मतलब है आउट ऑफ माइंड, इसका ऑप्शन था, माइंड इसका राइट था। हेडक्वार्टर ऑफ हेड ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। सीपैक का पर्पस ऑल ऑप्शन था, ये रीजनल कोऑर्डिनेशन के लिए भी होता है, ये रेलवे के लिए भी इन्होंने किए, तो इसके ऑल ऑफ देश थे। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश 2005 में बनाई गई। हम मैथ का पोर्शन डिस्कस करते हैं, इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स विद तकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मैथ के पोर्शन में सबसे पहले वो पूछता है कि अगर 6 बंदे 8 घंटे काम करते हैं तो वो 8400 रुपया पर वीक कमाते हैं, देन हो मच विल 6-9% वर्किंग 6, और अगर 9 बंदे 6 घंटे काम करें अडे, बताएं एक हफ्ते में कितना कमा लेंगे। तो हमने ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रिलेशन, ये मैंने एरो वाला मेरा एक मेथड है, तो आपने जिस जहाँ पे टेल होती है आपने सबसे पहले इसको लिख लिया पर्सन आवर्स और अर्निंग। पर्सन आपके पास पहले 6, फिर 8, फिर 8400, फिर उसके बाद आपके पास पर्सन 9, फिर 6 आवर्स और एक्स आपने फाइंड करना है। तो जो वेरिएबल होता है जो आपने फाइंड करना है उससे आपकी जो टेल हो और ऊपर उसका एरो, टेल वाली चीज को आपने ऊपर लिख देना एक्स और नीचे बटे में आपने लिख देना जो आपकी एरो वाली साइड होगी। तो आपने देखना है कि अगर बंदे ज्यादा हो तो आपकी अर्निंग भी ज्यादा होती, बंदे कम हो तो अर्निंग कम होगी, टाइम ज्यादा लगाओगे तो अर्निंग ज्यादा होगी, टाइम कम लगाओगे तो अर्निंग भी कम होगी। तो ये दोनों रिलेशन जो अर्निंग के साथ है डायरेक्ट है, तो हमने इनका रिलेशन बना दिया। वेरिएबल वाला पोर्शन इक्वल की एक साइड पे रख लेना आपने, बाकी दूसरी साइड पे। तो हमने इसी तरह ये एरोस बना के इनको लिखा, तो हमारा आंसर जो आता है वो 9450 रुपीज है अगर 9 बंदे 6 घंटे पूरा हफ्ता काम करते हैं। इससे बाद वो पूछते हैं अगले सवाल में कि ऑन 20% डिस्काउंट, सेल के ऊपर 20% डिस्काउंट मिलता है तो आर्टिकल की जो कॉस्ट है ना 5 and 6 हो जाती है, बताएं जो ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 20% निकाल के ये जो बाकी है ये 80% है, तो इसका फॉर्मूला 80% ऑफ एक्स, एक्स हमने फाइंड करना है इज 596। अब परसेंटेज की जगह पे 1/100 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और इस जो आपने मालूम करना है एक्स वैसे इसकी जगह पे इक्वल आपने इस तरह लिखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 745। इसके बाद अगले सवाल में पूछते हैं एन आर्मी कैंप ऑफ 200 men हैज इनफ फूड फॉर 60 डेज, 60 दिनों के लिए 200 बंदे आर्मी कैंप पे, उनके लिए एक फूड इनफ है, कोई भी एक फूड है खुराक है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ द नंबर ऑफ द मेन इन द कैंप इज रिड्यूस टू 160। कहते हैं कि अगर बंदे 160 तक हो जाए, बताए आप वो जो फूड है जो पहले 200 बंदों के लिए 60 दिन के लिए था, 160 बंदे हो जाए तो आप कितने दिन तक चलेंगे? पहले हमने टोटल मेन डेज फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ मेन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, तो आपके कितना आता है 200 × 60, तो 12,000 जो है आपके पास है मेन डेज आ जाते हैं। ओके, तो इसके बाद आपने क्या करना है, डिटरमाइन हाउ लॉन्ग द फूड विल लास्ट फॉर 160 men, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डेज, या आपकी एक टोटल रेशियो होगी, टोटल रेशियो आपको मालूम, अब आपको 160 के लिए चाहिए और आपने फाइंड करना है कितने डेज के लिए, 160 मल्टीप्लाई डेज एक्स लेट कर लिए इज इक्वल टू 1200 मैन डेज, ठीक है, ऊपर आपने फाइंड कर लिया आपकी टोटल रेशियो ये बन गई। तो इस तरह आपका 75 डेज के लिए वो जो आपका फूड रिमेनिंग है 160 बंदों के लिए इनफ है। उसके बाद अगले सवाल में वो पूछता है इफ द डायगोनल ऑफ अ रम्बस आर 18 cm 24 cm रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एक रम्बस है उसकी जो डायगोनल्स है ना वो 18 और 24 cm है,
देन इट्स साइड इज इक्वल टू, उसकी साइड आपने बतानी। इसका आंसर 15 था। किस तरह आपने किया, ये आपके पास डायगनल्स है, आपके पास रामबस है, ये उनके डायगनल्स, एक डायगनल ये, एक डायगनल ये, दो डायगनल, एक की 18 सेंटीमीटर और दूसरे की 24 सेंटीमीटर। तो आप देखें ए ओ जो है ए से ओ तक और बी ओ बी ओ, ये दोनों ही ओ सी, ये दोनों आपस में क्योंकि इक्वल कट किए, ये दोनों आपस में बराबर है, तो एक साइड जो है यानी कि ओ से ए और ओ से सी, ये आपके पास हाफ कर लोगे तो ये 12 आ जाएगी। इसी तरह ये आप ओ बी और ओ डी हाफ करोगे तो आपके पास 18 को दो में तक से 9 आ जाएगा। कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल आप एक साइड का मालूम कर ले, बाकी ये आपके 24 12 हो गया और इधर आपके पास 9 आ गया। अब इसका फाइंड करना है, ये वाली एक साइड का आपने फाइंड कर लेना। पता गौरस थ्योरम है कि वतर का मरबा बराबर है अमूद का मरबा या कायदे का मरबा जमा अमूद का मरबा, ठीक है। वो आपने 12 स्केल प्लस 9 स्केल किया, इस तरह करने के बाद आपको आंसर 15 सेंटीमीटर आ जाता है। अगले सवाल में पूछता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, बी कैन डू इन 10 डेज एंड सी कैन डू इन 20 डेज, बताएं अगर सारे इकट्ठे करें तो वो कितने दिन में कर लेंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इनकी रेशियो और उल्ट लिख देना है। 8 है तो 1/8, 10 है तो 1/10, 20 है तो 1/20, तो कंबाइन करना है 1/8, 1/10 प्लस 1/20। तो इनका आपने एलसीएम लेना है तो 11/14 आता है। 11/14 आपका आंसर नहीं, आपका राइट आंसर आपने उल्ट कर देना, क्योंकि पहले भी आपने उल्ट करके लिखे थे, अब आपने इसको उल्ट कर देना, 14 को ऊपर ले जाना और 11 को नीचे, तो आपका 40/11 वहां पे आंसर राइट था। उसके बाद अगले सवाल में वो रेशियो पूछता है, इफ ए रेशो बी बराबर है 2:3 रेशो के, बी और सी बराबर है 4:5 रेशो के, फाइंड ए बी सी। इसके लिए मेथड क्या है, आपने जो सेम होती है उसको एक दूसरे के नीचे लिख लेना है, ऊपर ए बी नीचे बी सी। तो आपने क्या करना है, इसको एरोज इस तरह लगानी है, आपने 2 को 4 के साथ फिर रेशो, 4 को 3 के साथ फिर रेशो, 3 को 5 के साथ फिर रेशो, तो आपके पास एक कंबाइन रेशो आ जाती है। तो आपके पास ए बी और सी की रेशो आ जाएगी 8, 12 और 15, ये इसका राइट ऑप्शन था। इसके बाद वो अगले सवाल में पूछता है, एक आदमी है नाम उधर लिखा हुआ था, आई डोंट नो आप याद नहीं है, मैन कैन रोइंग मतलब रो कर रहा था 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन स्टिल वाटर, रुके हुए वाटर थे। वो कहता है कि इट टेक्स हिम, उसको जो था ट्वाइस टाइम लग रहा था रो अप एज टू रो डाउन, ये चेंज भी हो सकता है वो डाउन के लिए, आप एग्जैक्ट याद नहीं है। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, आपने स्ट्रीम का फ्लो बताना है। तो पहले आप क्या कर लो, वो कहते हैं कि लेट अप स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर, देन हिज रेट ऑफ डाउन स्ट्रीम वो डबल होगा तो 2x किलोमीटर पर होगा। रेट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में रेट फाइंड करना है इनका, तो वो डिवाइड टू आप कर दोगे, दोनों को सम करके डिवाइड टू कर दोगे, 3x ओवर 2 किलोमीटर पर आवर। आप x की वैल्यू मालूम करो, तो जो स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो अपस्ट्रीम के लिए है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम के लिए निकला। आपको क्या चाहिए, टोटल रेट आपको चाहिए। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़फ़र इकबाल उर्दू एकेडमी, आज का एक्साइज इंस्पेक्टर का पर्चा जो है उसको डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान ने हॉकी के पहले वर्ल्ड कप फाइनल में हराया था स्पेन को। पाकिस्तान ने कितनी मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जीता, 4 मरतबा, 1971, 1978, 1982 और 1994 को। लॉर्ड मेयो को कत्ल किया गया 8 फरवरी 1872 को। दुनिया का सबसे तवील दरिया है दरियाए नील, जिसकी कुल लंबाई 6,670 किलोमीटर है। पर्दा स्कीम का इजरा किया महात्मा गांधी ने। गोलान की पहाड़ियों पर बुलंदतरीन चोटी 9,232 फुट, उसकी ऊंचाई है। हिंदू मुहासबा तहरीक 1923 में शुरू हुई। बर्ड फ्लू जो मुर्गियों में फैलता है उसकी वजह होती है इन्फ्लुएंजा वायरस। सोना चांदी और तांबा जो होते हैं इन्हें ट्रांजैक्शन मेटल कहते हैं। कॉपी सिलेक्टेड टैक्स कंट्रोल प्लस सी से हम करते हैं। ख़वातीन के वोकल कॉर्ड जो होते हैं वो ज़्यादा पिच वाले होते हैं। अब्दुल सत्तार एदी की वफ़ात 8 जुलाई 2016 को हुई। हज़रत उमर की खिलाफत का आगाज़ 13 हिजरी को हुआ। चीन WTO का मेंबर बना 11 दिसंबर 2001 ईस्वी में। सोम को अरबी में रोज़े को सोम कहते हैं। इस सिलसिले की दूसरी वीडियो कुछ देर तक शेयर कर दी जाएगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्साइज इंस्पेक्टर की सवाल नंबर 16 को देखते हैं। तकसीम बंगाल का खात्मा हुआ 1911 में। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है वेटिकन सिटी, जो 0.49 किलोमीटर जिसकी रकबा है। जब हज़रत खालिद बिन वलीद बीमार हुए तो सुपर सलार बनाया गया हज़रत अबू उबैदा बिन जराह को। हिरोशिमा पर बम गिराने वाला जहाज़ B-29 था। उर्दू का पहला सफ़रनामा उजाइबाते फ्रंग को कहा जाता है। आलमी अदालत इंसाफ ICJ का सरबरा कहलाता है सदर। ओलंपिक्स का माटो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इंसानी जिस्म का सख्त तरीन हिस्सा है टूथ एनिमल। कश्मीर बेचा गया 7.5 मिलियन रुपयों में। पाकिस्तान ने दूसरा हॉकी वर्ल्ड कप जीता 1978 में। उर्दू का पहला सफ़रनामा लिखा यूसुफ खान कंबल पोश ने। स्पिरिट ऑफ इस्लाम किताब लिखी सैयद अमीर अली ने। जिना पाकिस्तान एंड मुस्लिम लीग सियासी जमात थी। हेडफोन आउटपुट डिवाइस है और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस को कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट कहते हैं PPT को। सार्क को ज्वाइन करने वाला सबसे पहला मेंबर मुल्क बांग्लादेश। नबूवत का झूठा दावेदार था असवद अंसी। एप्रीहेंशन का मानी होता है खदशा। किताब द सोल स्पोक्समैन जिना द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान लिखी आयशा जलाल ने। एक खंजर पानी में नाविल है खालिद जवेद का। एक खंजर पानी में नाविल का मौजू है आबी आलूदगी। गज़ल का नकीब मतला होता है बोर्थ जीर गिलगत बल्तिस्तान में वाक़िया है। 1973 के आइन के मुताबिक हकूमती निज़ाम पार्लिमानी होगा। इकबाल का वो मजमुआ कलाम जो फारसी और उर्दू में है अरमकान हिजाज में मौजूद है। कोरिया मौजूद है एशिया में। वेव्स में टाइड उठती हैं इसी तरह लाइट में ग्लाइंट या चमकाओ होता है। CPAC का फ़ायदा मुआशी हुआ। क्वाड में मी करदन 26 नवंबर 2001।